हाउ टू एक्सपोर्ट टू ड्रमस्टिक। सो बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए। एक्चुअली ड्रमस्टिक में कहूँगी मेरा फेवरेट है, क्यों? क्योंकि मैंने मेरा एक्सपोर्ट ही चालू किया था ड्रमस्टिक एक्सपोर्ट से। एंड यस, दिस इज द स्मॉल इन्वेस्टमेंट फॉर माय बिजनेस आई हैव डन, एंड यस आई हैव एक्सपोर्टेड ड्रमस्टिक। सो यस, दिस इज लाइक मैं कहूँगी कि उससे तो मेरा बिजनेस चालू हुआ। एंड यस, इन द स्मॉल इन्वेस्टमेंट ऑल्सो ड्रमस्टिक कैन बी एक्सपोर्टेड, वो भी पता चला। सो आपके लिए भी एक और ज़्यादा अच्छा मौका है कि एक्सपोर्ट करने के लिए अगर आप प्रोडक्ट ढूंढ रहे हो तो ड्रमस्टिक इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट यू कैन। सो चलो फिर आज इस वीडियो में हम देखते हैं हाउ यू कैन स्टार्ट योर ड्रमस्टिक एक्सपोर्ट बिजनेस। सो आइदर इट इज़ बाई एयर, बाई सी, या फिर कैसे जा सकता है, कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं उसके लिए, उसकी साइज़ क्या होनी चाहिए, पैकेजिंग कैसे होता है, कहाँ पर मिलता है। सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स एक्चुअली नीड टू नो अबाउट द एक्सपोर्ट ऑफ ड्रमस्टिक। दोस्तों, आई एम केडी सुषमा, आई एम एक्सपोर्टर, ऑथर, ट्रेनर एंड बिजनेस कोच, एंड यस आई एम ऑन अ मिशन टू क्रिएट 10,000 प्लस एक्सपोर्टर्स बाय 2025। एंड इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, यस आई नो यू आर द वन ऑफ द एक्सपोर्टर इन दिस मिशन। सो यस, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब इट, शेयर इट एंड लाइक इट। रिगार्डिंग द एक्सपोर्ट ऑफ ड्रमस्टिक बिजनेस अगर मैं कहूँ तो ड्रमस्टिक, यस इट इज अ वेजिटेबल, इट कैन बी शिफ्ट बाय सी एंड इट कैन बी शिफ्ट बाय एयर ऑल्सो। सो ये ऐसी एक विजिटेबल है कि जो एयर से भी जाती है एंड सी से भी जाती है। बट मोस्ट ऑफ द थिंग अगर हम कहें कि ओकरा के घर में बातें करूँ तो ओकरा सिर्फ एयर से ही जाएगी, सी से वो जा नहीं सकती बिकॉज ऑफ द शेल्फ लाइफ एंड बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स ऑल्सो। लेकिन ड्रमस्टिक ऐसा है कि उसकी शेल्फ लाइफ अच्छी है कि वो बाय सी भी भेजा जा सकता है एंड बाय एयर भी जाता है। बट इट डिपेंड्स कि वेन वी कैन शिप बाई सी एंड वेन वी कैन शिप बाई एयर। सो इसके लिए मतलब पैरामीटर लगेंगे, सम फैक्टर्स आर देयर, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट फैक्टर्स वेरी वेल। सो जब भी मैंने एक्सपोर्ट किया था ड्रमस्टिक का बाय एयर से, तो बात यह है ना कि लाइक एयर से जब भी भेजा जाएगा तो एक तो शॉर्टेज ऑफ मटेरियल है और बहुत कम में अवेलेबिलिटी है, लेकिन वहाँ पर ज़रूरत है तो हो सकता है कि वो आइदर बाय एयर भी भेजा जा सकता है। दूसरी बात, बाय सी कब जा सकता है कि बाय सी में एक तो ये भी मैंने देखा है कि पूरे कंटेनर भर के भी ड्रमस्टिक लोग एक्सपोर्ट करते हैं एंड मिक्स कंटेनर में भी ड्रमस्टिक एज अ मिक्स कमोडिटी करके भी जाता है। सो देर आर टू वेज वी कैन एक्सपोर्ट ड्रमस्टिक, राइट? लेकिन उसके लिए भी फैक्टर आएंगे कि पूरा कंटेनर भर के ड्रमस्टिक कब जाएगा। सो आपको भी पता चला होगा या फिर आपको अंदाज़ा भी लगा सकते हो कि पूरा कंटेनर भर के ड्रमस्टिक तभी जा सकता है जब उसकी बहुत सारी एम्पल अवेलेबिलिटी डोमेस्टिक मार्केट में है, बहुत सारी मात्रा में वो यहाँ पे मार्केट में अवेलेबल है। और यस, वी कैन शिप बाय मतलब कंटेनर से कंटेनर भी निकाल सकते हैं, इसका मतलब उसके प्राइजेस भी उतने कम है यहाँ पे एंड लाइक सोर्सेज भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। तो उसी सीजन में ही मतलब ड्रमस्टिक पूरे कंटेनर भर के जाता है। अदरवाइज अगर हमें सी से भेजना है तो यू कैन प्रीफर बाय मिक्स कंटेनर ऑल्सो। सो मिक्स कंटेनर में वैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स डाले जाते हैं, लाइक अगर हम कहें कि मिक्स कंटेनर में लेमन होता है, चिली होता है, जिंजर होता है, टर्मरिक डाला जाता है, पम्पकिन है, शैलॉट ओनियन है, और उसके साथ साथ यस ड्रमस्टिक भी डाले जाते हैं। सो अगर हम कहें कि 12-13 टन का एक मिक्स कंटेनर जाता है, डिपेंड ऑन द वेट, वॉल्यूम, बॉक्स, पैकेजिंग ऑल्सो, बट यस यू कैन शिप लाइक 700 बॉक्सेस हो या फिर 800 बॉक्सेस हो या फिर 1 टन का मटेरियल डालो या फिर 1.5 टन का डालो। सो इट डिपेंड ऑन यू एंड कितने अवेलेबिलिटी उस टाइम पे आपको मिल रही है। सो उसके हिसाब से भी वो चल सकता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें कि उसका पैकेजिंग कैसे होता है, सो पैकेजिंग यू कैन लाइक पैक ड्रमस्टिक बाय टू वेज। सो वन इज मेश बैग में भी जाता है एंड द सेकेंड इज बॉक्स पैकिंग में भी जाता है। सो कोरोगेटेड बॉक्स पैकिंग भी आप कर सकते हो। अगर मैं मेश बैग की बातें करूँ तो आपको पता होगा कि लाइक मेश जो मेश जैसी होती है तो ड्रमस्टिक के लिए भी यूज़ की जाती है, वो जिंजर के लिए भी यूज़ की जाती है और लाइक सम ऑफ द कमोडिटीज़। सो यू कैन यूज़ द मेश बैग पैकिंग ऑल्सो। सो ड्रमस्टिक अगर कहा कि चलो मेश में भेजना है तो 4 kg का पैकिंग आता है। सो आप 4 kg ड्रमस्टिक मेश बैग में पैक करके भी भेज सकते हो। अदरवाइज यू कैन शिप द ड्रमस्टिक बाय एयर विद द बॉक्स पैकिंग ऑल्सो एंड विद द मेश बैग पैकिंग ऑल्सो। सो एयर के लिए भी दोनों में चलता है, सी के लिए मोस्टली ड्रमस्टिक ये मेश बैग में ही जाता है बिकॉज ऑफ द कॉस्ट इफेक्टिव फैक्टर ऑल्सो। बॉक्स का खर्चा बहुत ज़्यादा आएगा, इससे अच्छा है कि मेश बैग का कॉस्टिंग बहुत कम आता है और उसमें वो जाता है। सो यस, अगर आप एयर से भी प्रीफर कर रहे हो तो आस्क टू यूर कस्टमर ऑल्सो कि उनको बॉक्स पैकिंग चाहिए या फिर मेश बैग पैकिंग चाहिए। तो ये पहले क्लियर करके लो और फिर उसके हिसाब से आगे चलो। अभी अगर मैं प्रॉब्लम कहूँ, बिकॉज आई हैव डन दैट ट्रेड प्रैक्टिकली एंड आई हैव शिप लाइक एयर ऑल्सो, आई हैव शिप बाय सी ऑल्सो, आई हैव शिप बाय इन द मिक्स कंटेनर ऑल्सो। सो आई हैव सीन द मेनी प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग द ड्रमस्टिक एक्सपोर्ट।
मेनली अगर मैं कहूँ तो पैकेजिंग में एक प्रॉब्लम क्या आता है उसका, कि अगर हम मेश बैग में डालें तो यस, उसकी लेंथ की कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइज़ उसकी लेंथ की कितनी भी बड़ी भी क्यों ना हो, मेश बैग उसके साइज से होते हैं, सो आप मेश बैग में इजीली डाल सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं आता। लेकिन अगर मैं लेंथ एंड साइज़ की इशू करूँ तो वो ज़्यादा बॉक्स पैकिंग में आता है, क्योंकि बॉक्स का साइज़ लेंथ विड्थ हाइट ये जो भी है डायमेंशन फिक्स होता है, और अगर उसमें अगर हम ड्रमस्टिक उसी डायमेंशन में फिक्स करने की कोशिश करें सो इट इज़ माइट बी द समहाउ चैलेंजिंग पार्ट एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट पार्ट। उसके लिए हो सकता है ना कि आपको बहुत सारा माल लेना पड़ेगा, ग्रेडिंग सॉर्टिंग करके फिर अकॉर्डिंग टू बॉक्स पैकिंग उसको पैक करना पड़ेगा, तो फिर बचा हुआ क्या करोगे, उसका भी मतलब बैकअप प्लान रेडी होना चाहिए। सो दिस इज़ वन ऑफ द कॉमन इश्यूज फेस्ड वाइल पैकिंग इन द बॉक्स। लेकिन यस, मेश में करोगे तो इट इज़ नॉट अबाउट लाइक इट इज़ नॉट एन प्रॉब्लम, सो आप वो भी कर सकते हो। सेकेंड थिंग है कि बॉक्स पैकिंग किया और मेश पैकिंग किया तो क्या हो सकता है उसका। सो बॉक्स पैकिंग में आपको भी पता होगा कि बॉक्स में जाता है इसका मतलब वो हैंडलिंग में ज़्यादा लॉसेस में नहीं जाएगा, या फिर हैंडलिंग में ज़्यादा उसका नुकसान डैमेजेस नहीं होंगे। लेकिन मेश में हो सकता है कि वो मतलब दब सकता है, या फिर उसके ऊपर वेट आने के बाद भी उसका शेप साइज कलर चेंज हो सकता है, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स मेश में आ सकते हैं, सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट ऑल्सो। बट स्टिल ड्रमस्टिक इज़ लाइक अ प्रोडक्ट, वो वैसे मतलब कह सकते हैं हम कि वो उतना स्ट्रांग है खुद ही में कि इतना जल्दी वो प्रॉब्लमेटिक नहीं करता। लेकिन फिर भी हैंडलिंग अगर इम्प्रॉपरली हुआ, स्टोरेज उसका इम्प्रॉपरली हुआ, तो यस आई हैव सीन, आई हैव फेस्ड द मल्टीपल प्रॉब्लम्स इन दैट पार्ट ऑल्सो। सो अगर हम उसकी बातें करें कि वॉट आर द प्रॉब्लम्स यू कैन फेस इन द ड्रमस्टिक, सो एक है कि अगर हम लाइक मॉइस्चर होने वाला, अगर उसके ऊपर मॉइस्चर है, सो ये डिपेंड करता है कि हार्वेस्टिंग आपने कब किया। अगर उस टाइम पे मतलब भेजा जाता है ना अर्ली मॉर्निंग अगर हम करते तो ड्यू होते हैं वहाँ पे, अगर बारिश होके गई है और उसके बाद आप उसको छाट रहे हो तो भी उसके ऊपर मॉइस्चर रहेगा। अगर ऐसे कंडीशन में हार्वेस्ट होने के बाद आपने कितना भी उसको पैक मतलब क्लीन किया, साफ़ किया, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो मॉइस्चर होता है, और ऐसे अगर पैक किया गया तो यस फंगस लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एंड आई हैव प्रैक्टिकली फेस्ड दैट प्रॉब्लम एक्चुअली, कि फंगस लगे थे हमारे भी कुछ पार्ट में, मतलब कुछ शिपमेंट के उस बॉक्सेस में या पैकिंग में। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इशू, सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ द मॉइस्चर पार्ट ऑल्सो, इट शुड बी क्लीन ड्राई होना चाहिए और कुछ भी मतलब मॉइस्चर या कंटेंट वाटर कंटेंट नहीं होना चाहिए। दिस इज़ वन ऑफ द थिंग। सेकंड इज, अगर ड्रमस्टिक आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो एक्सपोर्ट के लिए बहुत लाइक डेलिकेट ड्रमस्टिक जो होते हैं, जो शुरू में छोटे छोटे होते हैं, वो मॉइस्चर मैच्योर ज़्यादा नहीं हुए हैं, ऐसे अगर ड्रमस्टिक आप छाटोगे या हार्वेस्ट करोगे उससे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि वो वहाँ तक जाने तक मतलब आइदर टूट जाते हैं या फिर उसके बहुत सारे अलग इशूज़ तैयार होते हैं। और इसीलिए आपको ड्रमस्टिक अगर एक्सपोर्ट करना है तो वो मैच्योर स्टेज में होने वाला ही ड्रमस्टिक लगेगा। सो आइदर हम कह सकते हैं ना कि अगर मैं प्रैक्टिकली बताऊँ कि ड्रमस्टिक सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होती है, सो इफ़ दीज आर द फिंगर्स, सो समझ के चलो कि आपको ये साइज का मतलब ड्रमस्टिक नहीं लगेगा और ये साइज का भी ड्रमस्टिक नहीं चलेगा, मतलब थंब जैसा इतना बड़ा जाड़ा भी नहीं चलता, और जैसे ये उंगली है तो इसके साइज का भी ड्रमस्टिक नहीं चलेगा। सो यू कैन सिलेक्ट बिटवीन दीज, सो इन तीन साइज के ड्रमस्टिक आप ले सकते हो। दिस इज जस्ट रफली एवरेज प्रैक्टिकली आई एम टेलिंग यू लाइक वॉट नीड टू बी डन। सो ये डिपेंड ऑन द फील्ड भी होता है, लेकिन येस रफली यू कैन गेट द आइडिया की अबाउट द सिलेक्शन कि क्या क्या ध्यान में रखने की जरूरत है। ओके, वाइल एक्सपोर्टिंग टू ड्रमस्टिक वॉट आर द डॉक्यूमेंट्स नीडेड। एक तो बेसिक जैसे हम हमेशा बोलते हैं एवरी प्रोडक्ट के लिए, आपकी कंपनी फॉर्मेशन हो, करंट अकाउंट हो, देन IEC, RCMC, पोर्ट रजिस्ट्रेशन हो, दीज आर द बेसिक डॉक्यूमेंट्स यू नीड टू स्टार्ट लाइक स्टार्टिंग के लिए आपको लगेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट ड्रमस्टिक के लिए फाइटोसैनिटरी लगता है बिकॉज इट्स अ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, सो आपको फाइटो निकालना पड़ेगा उसके लिए, सो दिस इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट। उसके अलावा अगर मैं कहूँ तो लाइक गल्फ के लिए तो दूसरा कोई डॉक्यूमेंट लगता नहीं है। दूसरी बात, अगर हम यूरोपियन या डेवलप मार्केट के लिए जा रहे हैं तो यस डेफिनेटली उनके नॉर्म्स अलग है तो उनके रिलेटेड सर्टिफिकेशंस भी अलग लगेंगे, सो आपको वो भी चेक करने की ज़रूरत है। सो दिस इज द ब्रीफ अबाउट द ड्रमस्टिक लाइक, और ओके कौन से मार्केट को ज़्यादा जाता है लाइक व्हाट इज़ द इम्पोर्टिंग कंट्रीज मेजॉरिटी कौन है, तो यस ड्रमस्टिक वैसे बहुत सारे मार्केट को जाता है, लेकिन मेनली अगर मैं कहूँ यूरोपियन से भी मतलब यूरोप को भी एक्सपोर्ट होता है, लेकिन मेनली मिडल ईस्ट को ज़्यादा चलता है, सो हम मिडल ईस्ट को भी ज़्यादा टारगेट कर सकते हैं उसमें से, और यस लाइक डेवलप कंट्रीज़ को भी आप उसमें टारगेट कर सकते हो। अभी इंडिया में ड्रमस्टिक की अवेलेबिलिटी कहाँ कहाँ पे है, सो अगर ये देखा जाए तो इंडिया में वैसे बहुत सारे बेल्ट है, लाइक लॉट ऑफ स्टेट्स आर प्रोड्यूसिंग ड्रमस्टिक, मेनली लाइक महाराष्ट्र में भी बेल्ट बहुत सारे है कि वहाँ पे भी प्रोड्यूस किया जाता है, कर्नाटका में भी ज़्यादा है, केरला साइड में भी है,
सो यू कैन चेक एज पर दैट कि कौन से सीजन कहाँ पे ज़्यादा है, लाइक जो भी टाइप वराइटीज़ है ड्रमस्टिक की वो कहाँ की ज़्यादा अच्छी है, उसकी शेल्फ लाइफ उस वराइटी की कितनी बड़ी है, उसके हिसाब से आप प्लान कर सकते हो कि ड्रमस्टिक कहाँ से जाना चाहिए. लेकिन यस, आई हैव प्रोक्यूर्ड द ड्रमस्टिक फ्रॉम महाराष्ट्र एंड सम पार्ट ऑफ कर्नाटका ऑल्सो, एंड यस आई हैव एक्सपोर्टेड दैट. सो दीज आर द बेसिक पार्ट लाइक ड्रमस्टिक के लिए ज़रूरी है. और अगर समझ के चलो कि ड्रमस्टिक अगर इतना छोटा प्रोडक्ट होके भी अगर इतनी सारी लाइक प्रॉब्लमेटिक भी कंडीशंस हो सकती है, इतनी सारी बातें हमें अगर चेक करने की ज़रूरत है, तो कोई भी प्रोडक्ट को अंडर एस्टिमेट मत करो. प्रोडक्ट इज़ प्रोडक्ट, वो छोटा बड़ा कभी नहीं होता. लेकिन यस, आपको छोटा बड़ा फ़ायदा वो ज़रूर दे सकता है आपके अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज के ऊपर. अगर आपने नज़रअंदाज से भी अगर बहुत सारी चीज़ें इग्नोर की तो बहुत बड़े लॉसेस में जा सकते हो. इट इज़ नॉट अबाउट द वैल्यू ऑफ शिपमेंट कितनी छोटी बड़ी है, इट इज़ अबाउट द नॉलेज यू हैव विद दैट प्रोडक्ट. और वो मतलब यहाँ से वहाँ तक अच्छा जाने के लिए आपको जो पता होने की ज़रूरत है वो पता करो एंड उसके अकॉर्डिंगली आगे चलो. यस, इट इज़ डेफिनेटली द ट्रेड इज़ ईजी, एक्सपोर्ट इज़ ईजी वैन यू डन दैट. एंड यस, मैं कहूँगी उसके लिए बहुत सारी चीज़ें जानने की ज़रूरत है. ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे. लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स विच प्रोडक्ट यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट दैट एंड आई विल मेक श्योर दैट यस आई विल मेक वीडियो ऑन दैट. सो यस, कमेंट इन द कमेंट बॉक्स अबाउट यूर प्रोडक्ट यू वॉन्ट टू नो. एंड यस, यू कैन कनेक्ट टू द ग्लोबल फॉर्च्यून मिशन टू ग्रोथ एंड वर्किंग ऑन अ मिशन टू क्रिएट 10,000 प्लस एक्सपोर्टर्स बाय 2025. यस, लॉट ऑफ कोर्सेज आई हैव डेवलप्ड ऑनलाइन है कि आप कहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो. इन द स्मॉल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑल्सो यू कैन लर्न अबाउट द एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिजनेस इन द प्रैक्टिकल वे. सो यस, यू कैन चेक ऑन द www.kdsushma.com इन द सेक्शन ऑफ कोर्सेज. यस, आई हैव रिटन द ग्लोबल फॉर्च्यून बुक ऑल्सो, गेट रेडी फॉर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, एंड यू कैन स्टार्ट यूर प्रैक्टिकल जर्नी विद दैट बुक ऑल्सो बिकॉज दिस इज द बेसिक गाइड फॉर एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर ऑल्सो. सो यस, स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स एंड मोर वीडियोज. यस, शेयर इट, सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट. Also take action. See you there also. Yes, you can be one of the exporter. Take action. Jai Hind.